पंजाब में कई जगह निजी स्कूलों की तरफ से दाखिला फीस और किताबों के नाम पर हो रही लूट के खिलाफ जहां प्रदर्शन किए जा रहे हैं, वहीं शिक्षा विभाग की तरफ से निजी स्कूलों में पहुंचकर चेकिंग की जा रही है और उनका सारा लेखा जोखा लेकर तफ्तीश करने की बात की जा रही है। जिला की जा रही है। अनएडिड प्राइवेट स्कूल्स के बारे जो फीस रेगुलेटरी एक्ट बनया और उस संबंधी जो कमेटी बनी है उसके मुताबिक इंस्पैक्शन करने के लिए आए हैं। सवेरे पहलों वुडस्टॉक स्कूल का जो इंस्पैक्शन की है, हूँ इस वे असं डी ए वी सेंटनरी स्कूल बैठे हैं। इन्होंने पिछले दो साल बैलेंस शीट्स वेखिया गई और उन्हें कॉपीज़ भी ले लिया और बुक्स स्टोर और यूनिफॉर्म जिले बारे कमरशलाइजेशन के बारे गल चल रही है कि स्कूलों में प्रॉफिटियरिंग भी कम चल रहा उसके बारे भी असी रिपोर्ट लेती है। इन्हों किताबा की जो क्योंकि यह डी ए वी स्कूल की डी ए वी मैनेजमेंट वालों दसया गया है कि आल इंडिया लैवल के उपर अपन ही किताबा जीडिया प्रोवाइड कराई जा बच्चों असी उसकी रेट लिस्ट चैक की है। बड़ी रीजनेबल रेट लगे 800 रुपए तो लैके 1900 रुपए के सारा कंप्लीट सैट जरा एल के जी तो लैके 8वीं जमात तक जरा प्रोवाइड कराया जा रहा। मेरे को पेरेंट एसोसीएशन के भी बैठे निष्काम सेवा वाले भी बैठे ने, उन्होंने भी जो रेट्स देख के उन्होंने भी यह लग रहा कि रेट जोड़े है वाजब ने। इस तो इलावा प्रिंसीपल मैडम के गल की गई है कि जोड़े एनुअल चार्जिज जे लाए जा रहे हैं, असं वह चाहते हैं क्योंकि मानयोग डिवीजनल कमिश्नर जी जे कि रेगुलेटरी कमेटी के चेयरपर्सन है, उन्होंने जो मीटिंग ली सी साड़ी वीरवार वाले दिन उदो यही गल कही सी कि जेडे चार्जिज है उन्होंने रूप बदल दिता गया, उन्होंने नाम बदल दिता गया। एनुअल चार्जिज के ना हेठ शायद हूँ पैसे जोड़े आ ज्यादा एकत्र किए जा रहे हैं, इस करके असं इन्होंने एनुअल चार्जिज का ब्रेकअप जोड़ा वो भी मंगया कि एनुअल चार्जिज जो लै रहे हो की इनकलूडिड है और उस ब्रेकअप को मिलने तो बाद असी इन्हों की जी बैलेंस शीट है वह कंपेयर करा कि बैलेंस शीट के जो खर्चे पाए गए हैं जो खर्चे दिखाए गए हैं कि वह एनुअल चार्जिज या कोई होर चार्जिज जो लै रहे हैं उन्होंने नालों मैच करते हैं। जेकर कोई 19-21 का फर्क पैंता या हूं ता ही पाई जाती है तो असी अपनी रिपोर्ट के मानयोग डिवीजनल कमिश्नर जी असी भेज देवे और उन्होंने वालों ये पूरा रिकॉर्ड मंगा के अगों ढुकमी कार्रवाई की जाए।